कोई हसीना जब रूठ जाती है तो और भी हसी हो जाती है। कोई हसीना जब रूठ जाती है तो और भी हसी हो जाती है। स्टेशन से गाड़ी जब छूट जाती है तो ये इसके मजे ने नहीं गाया आज, ये जो इतनी पावर में गाया ना वो पावर यहां से आई है यार। एक बार जोरदार तालियां सर। सबसे पहले मैं धर्म सर आपसे पूछना चाहूंगा, क्या कहेंगे पहले तो, क्या सर आप कमाल लगे हैं उस गाने में भी, एक बार फिर से जोरदार तालियां सर। बहुत ही अच्छा गाया यार। मैं थैंक यू सर, मुझे ले गया रामगढ़ की गलियों में, सड़कों पर, टांगे में, साइकिल से गिरना, फिर उठना, फिर चलना। बहुत नशेदार गाना था और लोगों ने खूब मजा भी लिया इसका। आपने दिल से गाया है, बहुत अच्छा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। क्या बात है, तो कपड़े भी मैचिंग मैचिंग करके आए हो सर, जैसे आपने फिल्म में डाले थे वैसे इसने कोशिश करी है। बॉबी बाजी क्या कहेंगे? पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने तो इसकी जो इंट्रोडक्शन की थी जी जी ठीक है, पैसे फेंक फेंक के की थी, लेकिन टैलेंट जिसके पास होता है चाहे वो अमीर हो या गरीब उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है बॉबी, क्या बात है। यू सैंग रियली वेल, बहुत अच्छा गाया। थैंक यू सर। और जब ये गाना देख सुनता था और जब देखता था ये गाना जब मैं छोटा था, तो मुझे हमेशा ये सवाल आता था मेरे दिमाग में कि पापा आपने वो साइकिल पे व्हीली कैसे की थी। ऑलराइट सनी पाजी, बस मैं यही कहूँगा कि बहुत अच्छा गाया। ऐसे ही लग रहा था जैसे वापस हम शोले देख रहे हैं। जिस खूबसूरती और जिस एनर्जी से तुमने गाया और जो आवाज़ एकदम मैच कर रही थी, तो वाकई हम वहाँ चले गए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। पहले तो मैं वेलकम करना चाहूँगा, धर्म पाजी से पहली बार मिलने का मौका मिल रहा है और मैं बता नहीं पा रहा हूँ कि मतलब किस तरह के लड्डू फूट रहे हैं सीने में, मैं बता नहीं, बिकॉज मैं शोले सर मेरी पहली पिक्चर थी लाइफ में जो मैंने थिएटर में देखी थी, मैं 2 साल का था उस वक्त। आपने जो यादगार पिक्चरें हमको दी हैं, आई विल नेवर फॉरगेट देम एंड वी आर वेरी वेरी ग्रेटफुल। आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि इतना एंटरटेनमेंट, इतना म्यूजिक, इतना प्यार आपने दिया है लोगों को इंडिया के, एंड और आपने मुझे उससे भी दुगना करके प्यार दिया है सर। 100 बार भी दें तो कम है, सच है। विभोर, आपका पूरा एक नया रूप देखने को मिल गया, एक जो प्रोजेक्शन किशोरदा की जो प्रोजेक्शन थी वो आपने कोशिश की वहां तक पहुंचने की, कोई नहीं पहुंच सकता। कांग्रेचुलेट यू फॉर दैट। थैंक यू सर, ग्रेट जॉब। विभोर आपने आज बहुत अच्छा गाया और खास करके अंतरा जो तुमने उठाया था, बड़ा मुश्किल अंतरा है ये, वो उच्चारण में जाता है। जुल्फों में छैया मुखड़े पे धूप है,
और वहां से उठाना और फिर अपने आप को संभालना, और आपको पता है कि मेरे बगल में वो इंसान है जिस पर गाना पिक्चराइज हुआ है, बहुत से सवाल तुम्हारे दिमाग में चल रहे होंगे। अगर अपनी पेट की भूख मरने नहीं दोगे, याद रखना, तो कला तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगी। तुम बहुत अच्छे गायक हो। थैंक यू सो मच। अगर ये शोले दोबारा से अगर बनती है इन केस इस जनरेशन में, जो कि हमारी खुशनसीबी होगी, अगर बनती है तो आई थिंक ये गाना तो विभोर से ही गवाना चाहिए। यू साउंडेड सो ब्यूटीफुल। और भी तब से देखे आप, जोरदार तालियां यार, मतलब ये फोटो देखने के बाद कसम से मेरा मन कर रहा है मैं क्या मेकअप लगा के अपना टाइम वेस्ट करूं। मैं कुछ भी कर लो यार, इतना हैंडसम कोई लग सकता है क्या कभी यार? एक बार जोरदार तालियां सर। मैं एम्बैरेस फील कर रहा हूं यार, मैं ठीक हूं जितनी आप तारीफ कर रहे हो। सर दादी के ना सर अरमान बड़े हैं सर, अगर आप एक सर एक इन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की, दादी आप खुद गए, मुझे बीच में क्यों डाल रही हैं? जो आपके साथ हेमा मालिनी जी ने डांस किया था ना जी, वो वाला डांस करना। ओए होए धर्म सर, हमारी दादी बहुत अच्छा डांस करती, ये आपको एक स्टेप करके दिखाना चाहेंगे। आइए आइए आइए, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। हाँ 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 दादी, मान लीजिए धर्म सर वैसे ही ऐसे बंधे हुए हैं, इमेजिन करिए, और गाना बजेगा और आपने एक स्टेप करके दिखाना है, ठीक है? रेडी? चलो दादी गो फॉर इट, पकड़ो ये देखो। सर इजाजत, सर प्लीज सर, बचपन से सर एक चीज कर लूं? करो करो, लाओ प्रॉप लाओ, आज मैं बताऊंगा प्लीज सर मेरी आज मानी, 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 मैं धर्म जी बन के खड़ा होने वाला। ढंग से बांध सांबा की थूक। सर मुझे कसम से इतना मजा आ रहा है, वो अलग बात है मैं आपका स्केलेटन लग रहा हूँ, पर फिर भी मुझे बड़ा मजा आ रहा है। मुझे तो मैं ही लग रहा हूँ यार। यस क्या बात है। म्यूजिक। सर मैं पहले आपके कमेंट लेना चाहूंगा। दैट इज द स्पिरिट, ऐसी स्पिरिट सब में हो तो आप हमेशा ही जवान रहेंगे। क्या बात है सर, क्या बात है दादी। जिंदगी इतनी खूबसूरत है, जिस ढंग से आप जी रही हैं उसको ऐसे ही जीना चाहिए, आपसे प्रेरणा मिल लेनी चाहिए सब लोगों को। क्या बात है। सोनी मेरी सोनी, सोनी और नहीं कोई होनी, सोनी रब से ज्यादा तेरा नाम लेता हूँ, रब मुझे माफ करे मेरा इंसाफ करे, ओ रब मुझे माफ करे मेरा इंसाफ करे। सोनी मेरी सोनी, सोनी और नहीं कोई होनी, सोनी रब से ज्यादा तेरा नाम लेता हूँ, रब मुझे माफ करे मेरा इन
साफ करे, हो रब मुझे माफ करे, है मेरा इंसाफ करे। सोनी मेरी सोनी सोनी सोना मेरा मागी सोना, का बहाना नहीं मरने का ठिकाना नहीं, बिन तेरे धूल मिट्टी खाके जमाना नहीं। जीने का बहाना नहीं मरने का ठिकाना नहीं, बिन तेरे धूल मिट्टी खाके जमाना नहीं। मस्त हवाओं से तेरा पैगाम लेता हूँ, मस्त हवाओं से तेरा पैगाम लेता हूँ। रब से ज्यादा तेरा नाम लेता हूँ, रब मुझे माफ करे, है मेरा इंसाफ करे, ओ रब मुझे माफ करे, है मेरा इंसाफ करे। सोनी मेरी सोनी सोनी और नहीं कोई होनी सोनी, रब से ज्यादा तेरा नाम लेता हूँ, रब मुझे माफ करे, मेरा इंसाफ करे, हो रब मुझे माफ करे, है मेरा इंसाफ करे, है मेरा इंसाफ करे, हो करे। सोनी मेरी सोनी सोनी ना नहीं कोई होनी सोनी, रब से ज्यादा। सुनो सुनो अरे सुनो सुनो ए भाई और बहनो, अरे मक्कन भाई जक्कन भाई सावड़ो रे सावड़ो, ओ रघुबा ओ गोंडीबा आईका ओ कर्नल सिंह ओ जर्नल सिंह, अरे तुझे भी सुनो पापे। अरे रब ता देखो आँख मेरी लड़ी है, अरे रब ता देखो आँख मेरी लड़ी है, अरे आँख जिसे लड़ी है वो पास मेरे खड़ी है, मुझे जानती है जब से ये मरती है तब से, मैं भी इससे चोरी छुपे चाहता हूँ तब से, दिल में ये मेरे बस गई है। एक कुड़ी फंस गई। अरे ये क्या कह रहे हो, मैंने तो ऐसा नहीं कहा था। अरे रब ता देखो आँख मेरी लड़ी है, अरे रब ता देखो आँख मेरी लड़ी है, आँख जिसे लड़ी है वो पास मेरे खड़ी है। मुझे प्यार सिखाया किसने, किसने मुझे प्यार सिखाया किसने, किसने मुझे प्यार सिखा के दीवाना बनाया किसने, अरे इसने। ये प्यार का कमाल है शराब का जरूर नहीं, होना था सो हो गया किसी का भी खबर नहीं, सांसों में मेरे रस गई ये। पांडुबा पोर्गी फसली रे फसली। अरे ये क्या कह रहे हो, मैंने तो ऐसा नहीं कहा था। आगाये जबड़िये लाचो नाको, ये जबड़िये लाचो नाको, ये जबड़िये लाचो नाको, ये जबड़िये लाचो नाको, ये जब
ये लाजो ना को ये सबड़ी ये लाजो ना को हाय थैंक यू सो मच क्या बात है विश्व जी ओहो वाओ माय गॉड धर्म सर सबसे पहले आप बताइए क्या कहेंगे इसके बारे में क्या कहना है मुझे रिदम दे दी यार आज मेरे जैसे आदमी को इसने एक मोमेंट आ गई बॉबी बाजी मुझे याद है जब मैं छोटा था और इस फिल्म की शूटिंग हो रही थी नरीमन पॉइंट पर और पापा को और रेखा जी को क्रेन के ऊपर ऊपर ले गए थे तो मेरा भी बहुत मन करता था कि मैं भी ऊपर जाऊं पापा के साथ उस क्रेन में लेकिन मेरे को लेकर नहीं गए थे पर इट्स brings back childhood memories और बहुत अच्छा गाया and all the best. Thank you so much. All right. Sunny भाई गाना हमारी यमला पगला दीवाना फिर से है ये गाना. देखो आँख मेरी लड़ी है. Sunny भाई मैं थोड़ा शर्माता हूँ इसलिए बैठा हुआ था मैं तो वहाँ आके जरूर नाचता. Thank you so much. विशु जी. जी सर. यार मुझे पता नहीं आपको पब्लिक से सपोर्ट मिल रही कि नहीं लेकिन इस परफॉर्मेंस के बाद मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि मिलेगी ये पक्का जो आपका अब तक का लेवल रहा है आपने उसको पार कर लिया ये बहुत बहुत बड़ी बात है मतलब पूरी तरह खुल गए और गाने में घुस गए और गाना बन गए आप ये बहुत बड़ी बात है कॉन्ग्रेचुलेशंस थैंक यू सो मच विश्वजीत जोरदार तालियां प्लीज टेक योर सीट थैंक यू वाह
यार क्या कमाल गाय नीलांजलि के लिए जोरदार तालियां। सबसे पहले उनसे बात करेंगे भाई जिनकी फिल्म का आइकॉनिक गाना है यार बॉबी जी क्या कहेंगे बॉबी बाजी यू सैंग रियली वेल बहुत अच्छी तरह से गाया थैंक यू और वो स्कार्फ देख रहा था और मैं सोच रहा था ये कौन सा गाना गाने वाली है फिर जब स्कार्फ देखा तो याद आया कि ऐश्वर्या ने भी ऐसे कुछ स्कार्फ पहना था गाने में यस क्या बात है मैं बहुत लकी था कि नुसरत जी ने हमारी मेरी दूसरी या तीसरी फिल्म थी जिसमें मुझे म्यूजिक दिया The way you sang the song, it was really nice, and I wish you all the best. Thank you so much. She looks lovely, pretty, and thank you, sir. Gaana bahut hi acha gaya hai. मेरे बेटे की शुरुआत हुई थी इन गानों से तो मुझे तो और भी अच्छे लगते हैं. God bless you. Give it up. Beautiful is the word. आप यंगेस्ट कंटेस्टेंट हैं इंडियन आइडल 10 की आई एम सो प्राउड ऑफ यू आप इतना खूबसूरत गाती हैं मैं चाहती हूँ वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल दो म्यूजिक कंपोजर्स मेरे बाजू में बैठे हैं मैं दिल से कहना चाहूँगी आई थिंक इंडिया के सारे क्या मतलब सबको ही आई थिंक गवाना चाहिए आपको अपने फिल्मों के गाने आई थिंक यू आर ब्यूटिफुल थैंक यू मैम थैंक यू सो मच तो अब विशाल सर से पूछना चाहता हूँ सर कब गवाने वाले हैं नीलांजना को अभी नेहा ने कहा है बताइए इसमें कोई शक ही नहीं है कि गवाएंगे क्या बात है यार क्या बात है थैंक यू सर I can totally see you in the top 5, top 3 maybe. Whoa. Thank you, sir. Too good. आन मिलो सजना सजना रे आन मिलो सजना सजना रे अखियों में ना आए निंदिया मोहे ना भाए काजल
राइट धर्म सर, देखा आपने कैसे लड़का इमोशनल हो गया आज हमारा। मेरे ख्याल से खुशी के नगमे तो हवा में उड़ जाते हैं ऐसे, लेकिन दर्द की हूक छू जाती है रूह को। छू जाती है। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। लहर खुशी की आते ही चली जाती है, और घड़ी गम की जाते जाते जाते। वाह वाह, क्या बात, बहुत अच्छा गाया, बहुत अच्छा, क्या बात। सनी पाजी, आप ही की फिल्म का गाना रॉक वर्जन में कैसा लगा? नहीं, बहुत अच्छा गाया, बहुत ही अच्छा गाया, मैं कुछ कह नहीं सकता। आगे तेरे को एक जफ्फी डाल दूं। वाह क्या बात है। मुझे एक ही बात याद आती है, यहाँ पे हमारे एक जज ने एक बहुत अच्छी सीख दी थी जो इसने मेरे ख्याल घोट के पी ली है। हमारे एक जज ने कहा था, गाने को महसूस करो, सिर्फ गाओ मत। विशाल सर, अब ये ना सिर्फ महसूस कर रहा है लेकिन महसूस करवा भी रहा है। ये क्या बहुत बात है, क्या बात है, क्या बात यार, कमाल है। आपकी गायकी में ये शक्ति है कि जो भी सुनेगा आपको वो मग्न हो जाएगा उसमें, वो आप आपके लिए बस वो श्रोता हो जाएगा, आपके लिए बस वो मतलब देखने वाला हो जाएगा। क्या बात, क्या बात, थैंक यू सर। इतना बड़ा दिन है, देओल परिवार यहाँ पे है यार। एक चीज तो मतलब मैं पक्का करवा के ही जाऊंगा, ऐसे ऐसा हो ही नहीं सकता। सर देखिए, आपके दो बेटे वहां हैं, एक बेटा यहाँ है। सर सर मैं चाहता हूँ आपकी इजाजत से आप बताएं कि ये दोनों बेटे भी यहाँ मेरे साथ मंच पे आएंगे, और एक बार सर आप वाला डांस तो बनता है ना, क्या बोलते हैं सब लोग, सर प्लीज। चलिए रेडी। मैं जट यमला पगला दीवाना, मैं जट यमला पगला दीवाना, हरप्पा किसी बात न जाना के ओ मैनू प्यार करती है, सदे उठे वो मरती है, के ओ मैनू प्यार करती है, थैंक यू सो मच। एक बार जोरदार ताली हो जाए सनी बाजी एंड बॉबी बाजी के लिए। सर बाय गॉड कसम से नहीं, ये 2.5 किलो का हाथ जब किसी पे पड़ता है ना तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। yeah! रात लंबियां लंबियां हो घर आजा परदेसी, के तेरी मेरी एक जिंदड़ी। तू संदेशा मेरा मैं सदके जावा,
ਰਾਜਾ ਕਾਲੇ ਕਾਵਾ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਪਾ ਲੈ ਜਾ ਤੂੰ ਸੰਦੇਸਾ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾ जनरली बैठे बैठे दिमाग में आ रहा था सनी बाजी आप ही की फिल्म है सभी जानते हैं यार अब हम बात करते हैं 100 करोड़ 200 करोड़ सर उस टाइम पे फिल्म ने 100 करोड़ किए थे एक बार जोरदार तालियां हो जाए बाजी क्या बात सर क्या कहना बहुत प्यारा बहुत बहुत दिल से गाया तुमने बहुत अच्छी तरह से गाया आई मीन मैं बिकॉज ये फिल्म के मुझे याद है जब हमारे पास ये गाने थे और मुझे बहुत अच्छे लगते थे लेकिन जब भी किसी को सुनाता था उस वक्त किसी के पल्ले नहीं पड़ते थे शुरू में क्योंकि उस वक्त पता नहीं क्यों नहीं समझ में आ रहा था लोगों को लेकिन जैसे पिक्चर लगी और उसके बाद तो फिर सब जानते ही हैं ये मेरे लिए एक ये फिल्म जो थी ये बहुत ही रोमांटिक फिल्म थी लोग चाहे से जो मर्जी कहें Actually, देखा जाए तो this was an actual romantic film. Wow. ये छोटी सी जिंदगी दिल कहे रुक जा रे रुक जा दिल कहे रुक जा यहीं पे कहीं जो बात जगा है कहीं पर नहीं दिल कहे रुक जा
इस खेल में जेल में प्यार के इस खेल में मैं तेरे इश्क में मर ना जाऊं कहीं तू मुझे आजमाने की कोशिश न कर This is
love you. Always love you. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.